अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जिन्होंने अभी तक पिछले व्लॉग नहीं देखे यार, व्लॉग को देखा करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को जाकर दबा दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो अभी मैं ऑफिस में आया था, मैंने कहा ऑफिस से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी एक दोस्त है, उसके रिलेटिव में किसी को ब्लड चाहिए, अर्जेंट जरूरत है, तो ब्लड देने चलते हैं हॉस्पिटल, ब्लड देते हैं और देन देखते हैं क्या सीन है। व्लॉग को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। इधर आए थे, ये न्यू बना है कोई स्वाद खास, इस पे क्या क्या मंगवाया पागल हो गए थे ये भी मंगवाने के चक्कर। मटन कुन्ना, मटन कुन्ना भाई, हाँ मटन कुन्ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बकरे को मटन कहते हैं, शटे मुंह। वीडियो बना रहा है नहीं। एक मटन कुन्ना मंगवाया है और बिरयानी मंगवाई है और क्या कहते हैं बीफ पुलाव है। तो फटाफट देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका, अभी न्यू बना इधर रेस्टोरेंट। और अभी मैं ब्लड दे के आया हूँ तो ये मुझे खाना खिला रहे थे। ब्लड की तस्वीर बनाई थी? ब्लड की तस्वीर नहीं बनाई भाई, क्यों बनानी, खून तुझे पता है वैसे रिजेक्ट हो जाता है। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है, आपको भी दिखाते हैं, फिर आप लोग भी ट्राई करना यहाँ। माशाल्लाह टेस्ट तो अच्छा है। मुगल साहब अपना नग और वो तो परे करो जरा, चैन टेस्ट अच्छा है इसका वाकई। महीना खर्चा करा के नग का चैन बनवाई है ये ना, कर रहे हैं। स्वाद खास है यहाँ पे गुलशन मार्केट, आप सबको रिकमेंड करते हैं आप आए ट्राई करें। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जी मेहरबानी, सर ये सर की तरफ से है दाल मखनी, इसको भी टेस्ट करते हैं। रेस्टोरेंट की तरफ से और सर की तरफ से ही क्या हो गया भाई। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई बिरयानी, ये वाली बिरयानी इधर दे दें। हाय सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या क्या तुन हो गया, इतना खाना मंगवा लिया यार। चंगा खून दिता है, खून की बोतल मैंने दी है, रोटी साची कम चक के रखे आया है। मैंने अगर नहीं खाया ना ये छोड़ेंगे नहीं, तो मैं फटाफट से खाना खत्म करता हूँ और फिर मिलते हैं, क्योंकि टेस्ट सारों का अच्छा है। देखो मैं हाईली रिकमेंडेड है यार, हाईली रिकमेंडेड है कि नहीं। ओके okay. तू भाई ओके कहेगा, तुझे रोटी मिल गई है। बर्थडे शेख साहब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शेख साहब। मुगल साहब ने विश नहीं किया यार, नाराज हो रहा है। वो कह रहा है ही नहीं, नहीं है इसकी बर्थडे, नहीं है। ये अपने जमने पे अपने आप को शर्मिंदा हो रहा है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। गजब बेइज्जती है, ठीक है ना। तो तो बाकी अभी किधर जा रहे हैं यार, इस शर्मिंदगी में पिला दो। एक छोटा सा काम है वहाँ जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। ओके, क्या इसके दफ्तर में कुछ काम है, वो गया अंदर। उस्ताद जी चली दे ला दे छेती, VIP नरम नरम यार, ये चली बड़ी मज़ेदार होती है कोयलों वाली। कितने वाली है, निकाल दे निकाल दे। हैं अच्छा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है बेफिक्र हो जा, निकाल दे VIP दाना। आए हाय लगा दे मसाला लगा दे। हैं ओ ये खानी है, दो दो फ्री होके आ गए आरे पे, और ये इसके लिए घास लेके आए हैं, और अभी इसको हमने ज़िबा करना है, इस पर छुरी फेरते हैं। और शेख साहब बहुत अफसोस हुआ यार, कल आपका जो बकरा चोरी हुआ है शेख साहब के आरे से ना, बकरा चोरी हुआ, उसकी फुटेज निकलवाई है, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा यार। बड़ा लाडला था वो भी, और ये तोते भी रखे हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह, वहाँ कोकटेल भी हैं। तो अभी इसको ज़रा एक काम है वो करके फिर इसको ज़िबा करते हैं, दिखाते हैं आपको, फिर इसकी राने ब्रोस्ट करवाएंगे हैं। शेख साहब कुछ नहीं होता यार, जो होना था वो हो गया। लेट्स गो, आओ भाई चलें, हेलो चलो। तो दोबारा हम पहुँच चुके हैं, हमें अकमल की बर्थडे है तो उसको सरप्राइज़ देना था। इधर स्वाद खास में ही आ गए हैं, यहाँ अरेंजिंग कर रहे हैं। मुगल साहब, शाहजेब और शाहजी भी बैठ गए हैं यहाँ, हमने अरेंजिंग अरेंज वगैरह करना है, अरेंजमेंट्स। अरे कहना क्या चाहते हो, तो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है और मेन्यू डिसाइड करते हैं क्या क्या लेना है हमने। चल झूठा, बारबेक्यू मुश्किल है, कढ़ाई हो जाएगी। शनवारी चाहिए अपना, आपको शनवारी चाहिए, वाइट चाहिए, क्रीमी चाहिए, कढ़ाई हर किस्म की हो जाए, और स्पेशल खास चाहिए वो भी कढ़ाई हो जाए।
चलो डिसाइड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या हिसाब। अच्छा जी, तो फाइनल हो गया और मेन्यू वगैरह भी डिसाइड हो गया क्या क्या लेना है हमने। बाकी अभी 5 बजे साहब आएंगे और आके डेकोरेशन कर देंगे यहाँ पे, और ये फिर शाम को कोई जुगाड़ लगा के उसको यहाँ ले। तो अभी मैं चलता हूँ जी घर, और फिर मिलते हैं जी शाम को और देखते हैं क्या शुगर मिल जाए। ओके। अच्छा जी, तो घर आ गया था मैं और अभी दोबारा फ्रेश हूँ। तो मैंने इन सबको कहा था कि तुमने कपड़े चेंज नहीं करने क्योंकि उसको पता ना चले। तो अभी बस निकलते हैं और वहाँ जाके थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी है वो करवाते हैं, और उसको सरप्राइज़ देना है शेख को, क्योंकि तो उसको पता नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा कपड़े का चेंज कर लिए, उसको पता लग जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, वहाँ चलते हैं और आपको भी वहीं जाके दिखाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पहुँच चुके हैं और सेटिंग वगैरह करना स्टार्ट। भाई भी हमारे साथ लगे हुए हैं, इधर ये सामान ले आए शाहदेव, तो फटाफट से इसको सजाते हैं क्योंकि कहा था 5 बजे का शाहदेव साहब आपने, ये देखना 5 बजे और अब 7 बज गए हैं। सो गया सी जाके। तो ये लगाते हैं जी जल्दी से, हाँ ऐसे ही लगेगा। आगे है ईशा भाई जान, पुलाओ हद तेरी खैर। मैं कर रहा हूँ उसको फोन कर रहा हूँ, गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। चलो जी ये फुला लें फिर आपको दिखाते हैं क्या सेटिंग करनी है हमें। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक सेटिंग हो चुकी है, अभी भी लगे हुए हैं। ये शेख साहब की हमने तस्वीरें बनवाई हैं साथ, और ये हमारी कुछ ग्रुप फोटो। तो चलें बाकी शाह जी आओ, निकलो शाबाश केक लेने चलें। चलो पहुँचो, केक लेने आ गए हैं। HBD शेख जी लिख दो या शेख साहब लिख दो, कोई एक जी कुछ लिख दो, कुछ तो लिख दो। लिया लेते हैं, बिल कराते हैं और फिर चलते हैं जी सीधा वहीं पे और देखते हैं कि आया कि नहीं आया। केक हमने ले लिया और अब वहीं चलते हैं और जाके देखते हैं। शेख साहब की कॉल आ रही हैं बार बार, धड़ाधड़ कॉलें कर रहे हैं कि भाई मुझे क्यों मेरे से रब्ता नहीं आ रहा, कोई भी रब्ता नहीं कर रहा शेख साहब से, और फुल टाइम गुस्सा है शेख। तो बस वह चलते हैं और जाके फाइनल अरेंजमेंट करके देन उसको कॉल करके बुला लेते हैं, क्योंकि एक दोस्त को हमने कहा हुआ है कि उसको लेके पहुँच वहाँ पे। चल ये जी, हमने शेख साहब के लिए इतनी मेहनत की है शाहजेब साहब ने, ये शाह जी तो विले हैं, ये बस अभी कुर्सियाँ लगा रहा है और ना इसने कुछ मेहनत नहीं की। ये बहुत बड़ी फिल्म है, बाकी ये इसकी इधर तस्वीरें वगैरह लगा दी हैं। इतनी से हमने कहा इसको ज़रा सरप्राइज़ दे दें, परेशान हुआ है, कह रहा है कि ना इसका नाम क्या है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरी, अच्छी खासी उसकी बस हुई बड़ी है, अभी आएगा वो, आ रहा है बस, उसका लेके आ रहे हैं मुगल साहब, फिर इंशाल्लाह काम चक के रखते हैं। शेख साहब भी आज खुश हो जाएंगे कि क्या सीन कर दिया मेरे लिए जी। ये गा रहा है हंसता, इसको पता ना लग गया हैप्पी बर्थडे टू। चलो ओए गालियां ना दे, मेरा कहना मेरा फोन कोई भी नहीं चक रहा, मैं नहीं चकता किसी का फोन। चल भाई आप साहब देख रहे हो, हाँ जी शेख साहब कैसा लगा सरप्राइज, हैं कैसा लगा सरप्राइज, कैसा लगा सरप्राइज बता। आ गया जी शेख, चल भैया केक काटें। ये क्या है, क्या ये चेक कर तू, ये देख ये देख ये तस्वीर। केक की बमाइश लेके कर, चला केक काटें। चलो जी एक काट दिया एक साथ। चलो यार केक खिला तो दो इसको, ये ले खा तो ले, कम उंगली देखी कैसे मुंह में डाली, प्रैक्टिस पूरी है तेरी। बड़ा हरामी हो बेटा यार, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, पूरा लाना चुरी दे यार। चलो यार यार ले आओ खाना ले आओ, हाँ टिश्यू भी दे देना और खाना ले आओ। स्टार्टर आ चुका है, इसमें हमने करवाई है जी ये मलाई बोटी और साथ ये ग्रीन हरी बोटी। अभी बाकी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, जैसी आती हैं फिर खाना शुरू। रोटी तो नूर की तो नहीं लग रही, मुझे तवे की लग रही है यार। ये जी कढ़ाई, ये खास है या आम है?
हाँ मानिए अभी। ये है जी मटन कुन्ना, आज हमने मटन कुन्ना करवाया है और ये अफगानी यहाँ रखेंगे, ट्रे प्लेट उठा लो। तू इधर बैठ के खा, तुझे हर चीज मिलेगी, तुझे हर चीज। हाँ आलू बताऊँ खा के, थोड़े भी खाना है, हौसला कर भाई, हर चीज मिल जाएगी तुझे। मेरी पोंछ से दूर है, पोंछ से दूर है, कोई नहीं, तेरा सारा पहुंच जाएगा इधर। बट नॉट लीस्ट बिरयानी और साथ पुलाव। नहीं भाई चिकन इतना है कहाँ पे, ये बहुत है। चलो जी फटाफट से, अब शेख साहब अगेन आपको हैप्पी बर्थडे, मजा आया, खुश हो गए हो? पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। आगे कह लो 18 डब्बे। क्या हुआ उसको भाईजान वो अंधा हो गया। अंकल इशारा क्या होता है? आंखों में ब्लीचिंग चला गया। चलो यार खाना खाना शुरू करो। अंकल क्या कर रहा है? चलो यार जल्दी जल्दी इनवाइट कर लिया साथ ही, ये दो उधर बिजी बैठे थे, फौरन आ गए हैं। ये वाला यार ये पैक कर दो। हाँ शेख साहब रात को खा लेना, जो आलू बताऊँ खा के आयो ना, नहीं खाया गया, सवेरे नाश्ता करेगा। तो अभी चलते हैं जी, बिल वगैरह कराते हैं और फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। उन्होंने अंदर क्यों नहीं आने दिया? क्या कह रहे थे? केक खा यार, केक खा, ये केक रह गया था बस। हाँ केक मुक जाएगा। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से बर्थडे शेख साहब की कंप्लीट हो गई है। शेख साहब खुश हो? मजा आया हैं? लेकिन खाना ना खा आया था घर ना। क्या क्या कह रहा था? और बस अब जाते हैं जी घर। और लोग भी सेंड करो, मैं कहता हूं आप लोग पसंद आएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। शेख साहब अगेन हैप्पी बर्थडे, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, मजेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।